मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा है माफिया से परहेज। जी हाँ, दागियों से परहेज। मायावती ने साफ कर दिया वो किसी भी दागी को टिकट नहीं देंगी, और इतना कहने के साथ ही उन्होंने मुख्तार अंसारी को टिकट देने से मना कर दिया। मना ही नहीं किया बल्कि उनकी जगह पर अपने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भीम राजभर को चुनाव लड़ाने का ऐलान भी कर दिया। यानी कि कह दिया कि कोई गुंजाइश नहीं बची है, साफ कर दिया बिल्कुल पूरी तरीके से। लेकिन सवाल यहाँ पर कई खड़े हो रहे हैं। आपने मुख्तार अंसारी को 2007 में टिकट दिया क्यों था? और मायावती को ये याद होना चाहिए कि जब उनकी पार्टी में वो शामिल हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि बहुत दीनहीन है और बहुत सताए हुए हैं, इनको बहुत सताया गया है इसलिए ऐसे काम किए उन्होंने। तो जब वो दीनहीन थे, सताए हुए थे, परेशान किए हुए थे, आज वो माफिया कैसे हो गए? तो ये बात समझनी पड़ेगी। 2007 में आपने कहा कि वो बहुत ही सताए हुए हैं, पीड़ित हैं, और आज आपकी नज़र में वो माफिया नज़र आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपने ये भी कह दिया कि उनको टिकट नहीं देंगे। तो दूसरा सवाल मेरा ये है उनसे कि अफजाल अंसारी जो कि उनके भाई हैं और आपकी पार्टी के सांसद हैं, वो आपकी पार्टी में क्या कर रहे हैं? भला उनका आपकी पार्टी में क्या काम? ये आपको माफिया से परहेज करना है तो माफिया का पूरा परिवार ही परहेज करना चाहिए ना। अब बात आगे बढ़ते हैं। खैर चलिए, ये तो रही बसपा की बात। और सारी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं, दम भरती हैं कि वो दागियों को टिकट नहीं देंगी, फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, RLD हो, सब। लेकिन सब ने इन लोगों के लिए आरक्षण कर रखा है। यकीन मानिए, महिलाएं परेशान हैं, देश की आधी आबादी परेशान है कि हमको 33% आरक्षण दीजिए जिससे कि हम महिलाएं आगे बढ़ सकें। उनका आरक्षण आज तक नहीं मिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लगता है 33% का आरक्षण माफियाओं और दागियों को मिल गया है। अभी पिछले 2017 की बात करें तो जो चुनाव हुए और जिसमें टिकट दिए गए, 33% दागियों को टिकट दिए गए, अंदाजा लगाइए आप। इतना ही नहीं, और जो 80 लोकसभा सीट हैं उनमें से 80 में से 44 लोकसभा के सदस्य, हमारे माननीय सदस्य जो हैं, वो दागी हैं। यानी कि मोर देन 50%, अंदाजा लगाइए। ये 12% से 5% से शुरू हुआ था, बढ़ते बढ़ते 44% हुआ, 45% हो गया, आज 50% से ऊपर रेशियो निकल गया है। दागियों का माननीय बनने का सिलसिला लगातार जारी है और ये रुकने वाला नहीं है। तमाम कोशिश की गई, राजनीतिक पार्टियों ने भी तमाम कोशिश की कि हम टिकट नहीं देंगे, तमाम दावे किए, वादे किए, लेकिन कोई भी पार्टी अपने दावे पर, अपने वादे पर खरी नहीं उतरी, क्योंकि सभी पार्टियों को ये दागी चाहिए, क्योंकि ये जिताऊ उम्मीदवार होते हैं, ये खुद स्वयं से तो जीते ही हैं और अपने दूसरे लोगों को भी जिताने में मदद करते हैं, और इसीलिए ये सारे पार्टियों को प्रिय हैं, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि दाग हैं तो अच्छे हैं। हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से, हम आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में बसपा से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की छुट्टी हो गई है। मायावती ने उनका टिकट काटकर मऊ सदर सीट से बसपा प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर का नाम फाइनल कर दिया है। मायावती ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में किसी भी माफिया को टिकट नहीं दिया जाएगा। हाल ही में मुख्तार के बड़े भाई सिगबतुल्ला ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, तभी से कयास लगाए जा रहे थे मुख्तार पर कार्रवाई संभव है। सूत्रों का कहना है कि बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। मायावती जी कह रही हैं कि मुख्तार अंसारी साहब बहुत बड़े अपराधी हैं, इसलिए उनका टिकट काटा जाए, और काट दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक
अतीक अहमद साहब, मुख्तार अंसारी साहब से इन लोगों को फायदा था, उनको निचोड़ रहे थे तब तक के पार्टी में भी ले रहे थे और विधायक भी चुनाव का टिकट भी दे रहे थे। आज बुरे वक्त में उनके साथ ये खड़े नहीं हो रहे हैं और उनका टिकट काट रहे हैं। मायावती जी, आपने मुख्तार साहब को टिकट नहीं दिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। ये वही भीम राजभर हैं जिन्हें 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने मऊ सदर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था। ये बसपा के लिए कठिन दौर था क्योंकि उसी समय बसपा में रहे बाहुबली अंसारी, बंधु मुख्तार और अफजाल ने बगावत कर कौमी एकता दल का गठन किया था। इससे पूर्वांचल की राजनीति काफी प्रभावित हुई। मुख्तार अंसारी ने अपने दल से चुनाव लड़ा और बसपा के प्रत्याशी भीम राजभर को 5,904 वोटों से मात दी थी। इस सीट पर मुस्लिमों के निर्णायक होने के बावजूद अच्छी लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद राजभर को आजमगढ़ मंडल का जोनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। वो उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है, कई राज्यों में है लेकिन उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, और उस चुनाव में अलग अलग लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए जो है वो भटक रहे हैं और भटक करके जो है वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन इस बात का उनको अच्छी तरह एहसास है कि उत्तर प्रदेश की जो धरती है वो इस तरह के जो गुमराह करने वाले, हाहाकार मचाने वाले बयान बहादुरों पे किसी तरह का कोई भी अटेंशन नहीं देती। सपा में मुख्तार अंसारी के भाई के शामिल होने पर शिवपाल ने भी नाराजगी जताते हुए तंज कसा। अखिलेश के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव का कहना है कि एसपी में माफियाओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए। शिवपाल ने कहा कि जब तक वह समाजवादी पार्टी में थे तब तक इस तरह के लोगों को कभी भी प्रवेश नहीं कराया गया। शिवपाल यादव ने कहा कि जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब कोई माफिया हमारे पास नहीं आया, किसी भी माफिया को समाजवादी पार्टी में नहीं लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था के मामले में त्रस्त है और साथ ही साथ किसानों के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर तबाह है। उत्तर प्रदेश एक विकल्प तलाश रहा है। 2007 के अंदर बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी, हमारा नारा था चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, जन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। और हम लोगों ने भीम राजभर जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ईमानदार हैं, कार्यकर्ता हैं और बहुत दिनों से पार्टी के अंदर लगे हुए हैं, उनको चुनाव में उतारा और अवश्य उनकी भी जीत होगी और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी बहन जी के नेतृत्व में। विधानसभा चुनाव की दस्तक होते ही सभी पार्टियां अपने आप साफ सुथरा और माफिया रहित बताने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन पार्टियों का अतीत और वर्तमान इन्हें क्लीन चिट नहीं दे रहा है। अब देखना होगा कि पार्टियों को दिखावे का कितना लाभ चुनाव में मिलेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, दागियों से परहेज का ऐलान तो करीब करीब सारी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द कम क्यों नहीं होता है। एक कहावत है कि जो जो दवा की मर्ज बढ़ता गया, कुछ उसी तर्ज पर जैसे जैसे ये राजनीतिक पार्टियां दावा करती रहीं, वादे करती रहीं कि वो साफ सुथरा चुनाव लड़ेंगी और किसी भी पार्टी कोई भी दागी को टिकट वो नहीं देंगी, लेकिन वो अपने दावे पर और वादे पर खरी नहीं उतरी और नतीजा ये है कि आज उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 44 लोकसभा के सदस्य, हमारे माननीय सदस्य अपराधी, उन पर मुकदमे दर्ज हैं। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश की और देश की भी तस्वीर इससे कोई कम अच्छी नहीं है। उसमें भी 35-40% दागी हैं, सांसद हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसद में कदम रखा था और संसद को चूमा था, संसद के दहलीज को चूमा था
और कहा था कि वो चाहते हैं कि एक साल के अंदर संसद की पूरी सफाई हो जाए, संसद पवित्र हो जाए, जितने दागी हैं उनके केस निपटा दिए जाए और आर पार कर दिया जाए। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ और इसमें एक पार्टी दोषी नहीं है, सारी पार्टियां इसमें शामिल है, सब पार्टियों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है और दागियों को टिकट दिया है। हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। हम आपका परिचय करा देते हैं, राघवेंद्र सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी आपका। डीपी सिंह साहब जुड़े हुए हमारे साथ में, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। सुरेंद्र दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से राजनीति को देख रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से यहाँ पर कमलाकांत गौतम जी जुड़ चुके हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और लंबे समय तक कांशीराम जी के साथ में काम किया है, बहुत कद्दावर नेता है, आपका भी बहुत स्वागत है सर लखनऊ स्टूडियो में। और सीधा, चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, डबल इंजन की सरकार है, यूपी में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी पार्टी सरकार पर ही होती है, तो राघवेंद्र जी के पास चलते हैं। राघवेंद्र जी क्या कहेंगे, दागियों से परहेज तो है लेकिन गुड़ खा रहे हैं और गुलगुले से परहेज कर रही हैं मायावती। देखिए प्रदीप जी, आपकी आवाज इको हो रही है। जी हमारी आवाज, मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि वो इसको देखें। मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देता हूं राघवेंद्र जी कि मायावती गुड़ खा रही हैं और गुलगुले से परहेज कर रही हैं, कह रही हैं कि मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देंगे, लेकिन उनके भाई भीम अफजल अभी भी पार्टी में बने हुए हैं। देखिए प्रदीप जी, मायावती जी को यह तत्वज्ञान अभी क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश में इनकी 5 बार सरकारें रह चुकी हैं, इन लोगों ने लगातार जो आर्थिक भ्रष्टाचारी हैं और अपराधी हैं इनको टिकटें दी हैं, मुख्तार अंसारी को 5 बार विधायक इन लोगों ने चुनवाया है, तत्वज्ञान अभी क्यों आया है इनको। वास्तविकता यह है भारतीय जनता पार्टी विकास और सुशासन के एजेंडे पर चुनाव लड़ने जा रही है, इस विषय को लेकर के मायावती को लगता है अगर मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पोल खोल दी है, उनका आपराधिक कृत्य समाज में आ गया है, मुख्तार अंसारी को अगर चुनाव लड़ाते हैं या इस तरीके इतने जघन्य अपराधियों को चुनाव लड़ाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी जो छवि है और ज्यादा खराब होगी, मायावती जी को ये लगता है। लेकिन वास्तविकता ये है, चाहे मुलायम सिंह जी हो, चाहे मायावती हो, चाहे कांग्रेस हो, ये लोग अपना चाल चेहरा और चरित्र सुधारने वाले नहीं है, इनके नीति रीति सिद्धांत में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, ये लोग उसी तरीके से टिकट देंगे, उन्हीं लोगों को टिकट देंगे और उसी अपने जो सिस्टम है उसी प्रकार से ये टिकट देंगे, इसमें कोई मुझे लगता है कोई इतना बड़ा अमूलचूल परिवर्तन नहीं आएगा। विषय ये है, मायावती जी ने जो एक ट्वीट किया था कि मैं ये प्रयास करूंगी कि अपराधियों को टिकट ना दिया जाए, इसमें प्रयास शब्द जो है पूरा जो है झोल प्रयास शब्द को लेकर के है। प्रयास क्या होता है, अगर मायावती जी टिकट नहीं देना है तो डंके की चोट पर मैं अपराधियों को टिकट नहीं दूंगी, लेकिन वास्तविकता ये है बिल्कुल ठीक है, वो प्रयास करेंगी और प्रयास में कितना सफल रहेंगी ये अलग बात है। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी, ठीक है डीपी सिंह साहब के पास है। डीपी सिंह साहब क्या कहेंगे आप, मायावती कह रही टिकट नहीं देंगे मुख्तार अंसारी को और उनकी जगह अपने प्रदेश अध्यक्ष का के चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। सुदीप भाई, चाहे भारतीय जनता पार्टी के भाई राघवेंद्र सिंह जी बोल रहे थे और चाहे मायावती जी हो या मुलायम सिंह जी, इससे 32 साल से जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार गई है उत्तर प्रदेश, आज उत्तर प्रदेश का जो राजनीति है ये माफियाओं के गठजोड़ से चल रहा है, कोई तीनों पार्टियां इससे सरकार थी जी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। और प्रदीप भाई मेरी बात आ जाने दीजिए, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने यूपीए की सरकार नहीं इन अपराधियों को गुंडों को राजनीति से बेदखल करने के लिए कानून बनाया था। आज भारतीय जनता पार्टी के राघवेंद्र जी कहते हैं कि मैं जो है सुशासन की बात करते हैं जी, ठीक है डीपी साहब, 116 जल्दी समय समाप्त हो रहा है आपका, 1 मिनट का समय था, ज्यादा विधायक इनके अपराधी हैं,
आज कम से कम 50 से ज्यादा जिनके सांसद है हीनियस क्राइम में अपराधी हैं। और रही बात वो अब जो है बसपा के मुख्यमंत्री मायावती जी की बात, तो निश्चित तौर पर यदि वो कहती हैं इस बात को कि नहीं, ठीक है देवेंद्र जी, टिकट नहीं आएंगे दोबारा से आपके पास में, ठीक है देवेंद्र जी बात हो गई आपकी, आपका दोबारा रुख करेंगे। कमलाकांत गौतम जी के पास चलते हैं। कमलाकांत गौतम जी, आप बसपा में थे, कैबिनेट मंत्री थे, कांचीराम जी के साथ में काम किया, लंबा अनुभव है आपका, आज आप समाजवादी पार्टी में हैं। अखिलेश जी ने कहा था कि डीपी यादव को पार्टी में नहीं लेंगे, अच्छी छवि बनाई थी और उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था 2012 में, लोगों ने हाथों हाथ लिया था। क्या मायावती जो इस समय कर रही हैं वो अखिलेश की कॉपी कर रही हैं? मैंने प्रदीप जी, मैं देख रहा हूँ और मैं आपकी बात सुन भी रहा हूँ, सुश्री मायावती जी ने जिसे बयान में कहा कि मुख्तार जी को मैं पार्टी में टिकट नहीं दूंगी या इसको हटा दूंगी, जो भी जो कहा समाचार पत्रों में आ रहा है, क्वेश्चन ये थोड़ा से कंफ्यूजन है, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मुख्तार भाई जी को टिकट दिया है क्यों गया? बीएसपी ने मुख्तार जी को टिकट क्यों दिया, अब टिकट क्यों काट रही है, क्वेश्चन ये होना चाहिए। बिल्कुल, टिकट देना और टिकट काटना, क्या ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि सुश्री मायावती जी को, मुख्तार जी को टिकट काटना पड़ा? क्वेश्चन ये इस बात का है। बिल्कुल, अब ये समस्या होती है कि ये क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इनके भाई को अपनी पार्टी के में सम्मिलित किया जी। अब समस्या ये खड़ी हुई कि ये पूरा परिवार बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में रातों दिन लगकर ये समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने के कमर कस लिया है जी। तो निकालने का कारण ये है, ये कोई दागियों का परहेज नहीं है। अच्छा, दागियों का परहेज नहीं है, ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इसलिए परहेज है ये। ठीक है, ठीक है सर। सुरेंद्र दुबे जी के पास चल रहे। सुरेंद्र दुबे जी, जी आप तो लंबे समय से राजनीति को कवर कर रहे हैं, बड़ा लंबा अनुभव है आपका, क्या कहेंगे आप? सारे राजनीतिक पार्टियों को सुन रहे हैं और दागियों की संख्या 50% से ऊपर निकल गई है। देखिए, आपने अपने पूर्व ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि जो जो दवा की गई तो मर्ज बढ़ता गया, तो आज से जब बहुत लंबे अरसे पहले जब इन लोगों का पदार्पण हुआ बाहुबलियों के राजनीति में, तब लोगों ने नाक बहुत सिकोड़ी और ये हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हर पार्टी ने एक तर्क दिया कि भाई देखो क्या करें, मजबूरी, ये लोग जीतते हैं इसलिए हम टिकट देते हैं, और वही मजबूरी आज भी है। अब मजबूरी ने फैशन भी है, क्योंकि अब राजनीति दबंगे की राजनीति है, अब पैसे की राजनीति है, अब जो राजनीति है उसके पीछे बाहुबल जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। अब एक तरह दिया जा रहा कि चूंकि मुख्तार के भाई सपा में शामिल हो गए हैं और उनका पूरा परिवार लग गया, तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े ही इज्जतदार घराने के लोग किसी पुण्य काम में लग गए इसलिए सब लोग तारीफ कर रहे हैं ना। मैं ये मानता हूं कि ये मुख्तार अंसारी ऐसे लोग आज राजनीति की जरूरत है, और इसीलिए एक पार्टी इनको टिकट देती है, दूसरी मना करती है, एक पार्टी टिकट काट देती दूसरी देने को तैयार रहती है। एआईएम ने पहले ही दे दिया, पता नहीं एआईएम के कहने से मुख्तार वहां से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या सपा में कोई और डील हो रही हो, ये कोई हम लोग पता नहीं, लेकिन ये बात ठीक है कि राजनीति चुनाव लड़ेंगे, अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो राजनीति कैसे करेंगे, और राजनीतिक संरक्षण नहीं होगा तो बहुत से ऐसे धंधे लोग के हैं जिसके लिए पॉलिटिकल पैटर्नस जरूरी है, इसलिए ये चुनाव भी लड़ेंगे, नहीं बीएसपी से लड़ेंगे कहीं और से लड़ेंगे, कोई टिकट नहीं देगा निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन राजनीति में रहेंगे, और अभी हमारे पास लीगल सिस्टम नहीं है जिससे आप इनसे पिंड छुड़ा सकें जी। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये था, चलिए मैं दोबारा से आपका रुख करूंगा।
राघवेंद्र जी के पास चले। राघवेंद्र जी, ये कोई मायावती की बात नहीं है, दाग अच्छे हैं और ये सभी पार्टियों के लिए दाग अच्छे हैं, आपकी पार्टी भी इससे कहीं अछूती नहीं है। नहीं प्रदीप जी, ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ही कोई अपराधियों को या आर्थिक भ्रष्टाचारियों को टिकट देने में पूरी तरीके से परहेज करती है और इस प्रकार के लोगों को हम लोग टिकट नहीं देते हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तो खुलेआम अपराधियों और आर्थिक भ्रष्टाचारियों को टिकट देती है। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी, आपको पूरा मौका दिया, आप जरा सवाल और जवाब का सिलसिला भी शुरू हो जाए। आपने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी किसी का को टिकट नहीं देती है और दागी को टिकट नहीं देती। अब जरा ध्यान से मेरी फिगर को सुन लीजिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। विजय 403 में से 147 विधायक आपराधिक किस्म के हैं, ठीक है, ये टोटल आंकड़ा बता रहा हूँ, जिसमें से बीजेपी के 114 विधायक दागी हैं, 114 विधायक दागी हैं, याद रखिएगा। अब जरा लोकसभा की सीट भी सुन लीजिए, लोकसभा की 80 सीट में से 44 जो सांसद हैं हमारे माननीय हैं वो दागी हैं और उसमें से 35 आपकी पार्टी के दागी हैं, अब आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, सही कह रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के जो दागी जो हैं सांसद या विधायक, उनमें जो है अपवाद मैं नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कोई एक दो ऐसे आपराधिक मुकदमे हों, लेकिन बड़े पैमाने पर राजनीतिक मुकदमे उनके ऊपर लगे हुए, अगर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। प्रदीप जी, आप मेरी बात जाने दीजिए प्लीज। राघवेंद्र सिंह जी, गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। प्रदीप जी, मेरी बात हो जाने दीजिए पहले। अगर आप फूलन देवी, अन्ना शुक्ला, डीपी यादव या इस तरीके की लंबी फहरिस्त है जिनको समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज, क्या मुख्तार अंसारी की तुलना आप और किसी अपराधी से कर सकते हैं जो खुलेआम गुंडाई करते हैं, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करते हैं, हत्या करते हैं, बलात्कार करवाते हैं, फिरौती करते हैं? राघवेंद्र सिंह जी, ये जो डिटेल मैंने दी आपको ना, सवाल सुन लीजिए, स्थापित बड़े अपराधी, ये डिटेल है ना, ये गंभीर अपराधियों की है, ये कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं है, ये कोई वो वाला अपराध नहीं किया कि धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनके ऊपर मुकदमा लग गया। प्रदीप जी को जो है धौस में लेना चाहते हैं। नहीं नहीं, धौस की बात नहीं, मैं अपनी बात आप धौसियाइए नहीं, यहाँ पे लोकतंत्र में नहीं चलेगा। धौस में कौन लेगा भाई, यहाँ धौस में ना कोई किसी को ले रहा ना दे रहा। नहीं नहीं, आपकी बात हो रही है, प्रदीप जी से मेरी बात हो रही है जी। प्रदीप जी देखिये, भारतीय जनता पार्टी के जो आए वो इस तरीके के, मैं अपवाद में अलग बात कह रहा हूँ, बड़े पैमाने पर जो हमारे जो सांसद विधायकों के ऊपर जो मुकदमे हैं वो राजनीतिक विद्वेष के कारण लगे हुए हैं, कोई ऐसे मुकदमे नहीं है। तुलनात्मक अध्ययन करें, भारतीय जनता पार्टी में मैं आपको करेक्ट कर देना चाह रहा हूँ, सवाल सुन लीजिए, ये राजनीतिक मुकदमे नहीं है, ये आपराधिक मुकदमे है जी। प्रदीप सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ सुनिए, ये राजनीतिक मुकदमे नहीं है देवेंद्र जी, ये आपराधिक मुकदमे है, निश्चित तौर पे आपराधिक मुकदमे है प्रदीप जी। और राघवेंद्र सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी जो अपने को चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, ये भ्रम और झूठ की राजनीति करते हैं असल में, और लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं। कहा जाता है ना, एक गांव में कहावत है प्रदीप भाई, कि सूप बोले सूप, चलनी बोले जाके 72 छेद। आज भारतीय जनता पार्टी किस मुख से आज अपराधियों को राजनीति से अलग करने की बात करती है? निश्चित राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि सूप बोले सूप, चलनी बोले तो 72 छेद। प्रदीप जी जरा इनकी बात का जवाब देने दीजिए। देवेंद्र जी, आपकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो आर्थिक भ्रष्टाचार के कारण जमानत पर आए, इसके विषय में आप क्या कहोगे? आप पर गंभीर अपराध है, जमानत पर है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके की नहीं बात है, आपकी जो है आधी पार्टी जो है जेल पर है, आधी पार्टी जेल में है। आप लोग जो है जिस प्रकार से अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो, देश ने देखा है 70 साल देश को लूटने का काम क्या है, आप हमारे ऊपर क्या आरोप लगा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है, सुशासन देने का काम क्या है? हमारी 7 सालों तो देश में सरकार चल रही है, एक भी दाग नहीं लगा है,
उत्तर प्रदेश में 5 साल से सरकार चल रही है, एक भी दाग नहीं लगा है। आप लोग बता रहे हैं जब 2004 से लेकर 2014 तक आपकी केंद्र में सरकार थी, ऐसा कोई घोटाला नहीं जाता था जब आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं होता था, कोई घपला घोटाला नहीं होता था। अरे देवेंद्र जी को तो शर्म करिए, लंबे भ्रष्टाचारी आप लोग जो है 2004 से 2014 तक देश को लूट के खाया है। सैकड़ों ऐसे बड़े बड़े आर्थिक घोटाले हैं जिसमें आपके बड़े बड़े नेता जमानत पर है और आधे तो जेल में है अभी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेल पर है, इससे बड़ी बात क्या कहनी है? आप क्या बात कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? अच्छा ये बताइए, हमारी 7 साल की सरकार है, इसमें कोई आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप लगा? उत्तर प्रदेश में 5 साल सरकार है, आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप लगा? आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदुस्तान की साझी विरासत, गंगा जमुनी तहजीब, सर्वधर्म संभाव, देश की एकता, अरे भ्रष्टाचार की बात करिए, सर्वधर्म संभाव चर्चा हो रही है भ्रष्टाचार पे, आप लोग क्यों दायबाएं हो रहे हैं? भ्रष्टाचार की बात आइए, आप लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो, भ्रष्टाचार के विषय पर आइए। देवेंद्र जी क्यों दायबाएं भाग रहे हो? हिंसा मैंने पूरा मौका दे दिया आपको देवेंद्र जी को कटघरे में खड़ा करने के लिए और देवेंद्र जी ने आपने भी पूरी बात कर ली। अब वापस आते अपनी डिबेट पे भाई, ये ऐसे नहीं चलेगा। देवेंद्र जी, राघवेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। राघवेंद्र जी आप कह रहे हैं कि मेरी कमीज उनकी कमीज से ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सफेद है। सवाल ये उठता है सर कि आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, पूरा मौका था आपके पास में और मोदी जी ने ये दृढ़ इच्छा दिखाई भी थी कि हम चाहते हैं संसद क्लीन हो जाए, वो क्लीन अभी तक क्यों नहीं हुई? प्रदीप जी ये बताइए क्लीन का पैमाना क्या होता है? तुलना तो करनी ही पड़ेगी प्रदीप जी, कांग्रेस की 2004 से लेकर 2014 की सरकार कोई दागी सांसद उसमें नहीं होगा, पैमाना ये होता है। राघवेंद्र जी आप तो पूर्व विधायक हैं, आपको ये बात समझानी पड़ेगी मुझे। प्रदीप जी प्लीज मेरी बात हो जाने दीजिए, पहले थोड़ा 2 मिनट दीजिए आप, हमें लग रहा है मैं समझा दूंगा। आप अपनी बात रखिए। 2004 से लेकर 2014 की सरकार देख लीजिए और हमारी 2014 से लेकर वर्तमान तक केंद्र की सरकार देख लीजिए। 2004 से 14 तक कितने आर्थिक भ्रष्टाचार हुए थे, ईमानदारी की बात देखिए। और 2014 से लेकर अभी तक हमारे क्या उद्देश्य की सरकार ने एक आर्थिक भ्रष्टाचार की नहीं है राघवेंद्र जी, बात यहाँ पर अपहरण, फिरौती, रंगदारी, चोरी, मारपीट और तमाम सारे बलात्कार, हत्या, ये इन तरह के जुर्मित लोगों की हो रही है। आर्थिक अपराध की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जी, मैं क्राइम की बात कर रहा हूँ। नहीं, क्राइम पे भी आते हैं। देखिए कांग्रेस के विषय में तो इसमें नहीं, क्योंकि पिछले 35 सालों से उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की सरकार नहीं है। अगर इसी प्रकार की गतिविधियां रही तो आगे 35-35 साल ये और नहीं आने वाली है। पिछली सरकार मायावती की भी देख लेते हैं और समाजवादी की भी देखते हैं, तुलना करनी पड़ेगी। आप कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दीजिए, कांग्रेस को खत्म कर दीजिए, ये आप लोगों की राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई है, उससे कुछ भी मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि आखिर जिस संसद में, जिस सदन में कानून बनते हैं, उन सदन में ये कानून तोड़ने वाले ही जा करके कानून बनाने वाले कैसे बन जा रहे हैं? प्रदीप जी अब इससे पहले उत्तर प्रदेश में देखिए तुलनात्मक अध्ययन तो करना पड़ेगा, आप इसमें मत रोकिएगा। बिना तुलनात्मक अध्ययन करने तुलनात्मक अध्ययन कर बात करिए, पीछे की बात ठीक है तो इसमें तुलनात्मक अध्ययन तो करना पड़ेगा। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक पर आएंगे तो तुलना, राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं राघवेंद्र जी। मैंने शुरू में कह दिया था कि कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है, सारी पार्टियों को ये दाग अच्छे लगते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जरा कांग्रेस की भी बात समझेंगे, समाजवादी पार्टी को भी समझेंगे, बसपा को भी समझेंगे, आखिर कितने माननीय वहां पर रहते हैं जो दागी हैं, जो सदन में जाकर के कानून बनाते हैं। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुश
खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। सरकार के मजबूत इरादे और विकास की दूरदर्शिता से हर प्रदेशवासी का हर सपना साकार हो रहा है। चाहे गरीब हो या किसान, मजदूर हो या महिला नौजवान, हर तबके को उसका हक मिल रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेड़ी लगाने वालों को 10,000 रुपए का लोन का लाभ दिया। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ पहुंचाने में भी यूपी आज नंबर वन है पूरे देश में। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 885 ब्लॉक में किसान कल्याण मिशन योजना का लाभ दिया। हर घर नल योजना से 30,000 ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल की योजना को क्रियान्वित किया। भयमुक्त प्रदेश के लिए अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई कर 15,74 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्तियों का जब्तीकरण किया। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए मिशन शक्ति 3.0 की शुरुआत की गई है। प्रदेश वासियों को योजनाओं का लाभ देने में यूपी सरकार जी जान से जुटी है। शहर से गांव तक और सक्षम से गरीब तक को यूपी सरकार ने अपनी योजनाओं का लाभ दिया है। योगी सरकार में स्वर्णिम यूपी का सपना पूरा हो रहा है। योगी सरकार, सपने साकार। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। जुबाई के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम जरा डीपी सिंह साहब का रुख करेंगे। देवेंद्र प्रताप सिंह जी, आप ये इतने कोई शक नहीं कि चूंकि डबल इंजन की सरकार है, जिम्मेदारी उनकी ज्यादा है, लेकिन आप भी कम जिम्मेदार नहीं है। आपकी पार्टी ने भी शुरू किया था दागियों को टिकट देना। जरा आपकी आपके आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। आपके पास यहाँ सांसद नहीं है, एक सांसद है, दागी होने का सवाल नहीं। सोनिया जी पवित्र, एकदम साफ सुथरी। विधायकों की बात करें, विधायक आपके पास नहीं है, तब भी आपके पास जो भी 7 विधायक है उसमें से एक विधायक दागी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जरा लिस्ट पर नजर डालते हैं। आपको आपने गठबंधन की सरकार बना करके चुनाव लड़ा था, 114 टिकट आपके खाते में आए थे और उसमें से आपने 36 लोगों को, दागियों को टिकट दिया था। डीपी सिंह साहब, समझ में आ रहा कुछ? 36 दागियों को टिकट दिया था 114 में से आपने। प्रदीप भाई जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और पहले ही हाफ में कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है और यूपीए सरकार ने मैंने अध्यादेश और कानून बना करके और उसमें लालू यादव जी हो या चाहे वो रशीद मसूद साहब हो, सांसद थे, उनको अपनी सांसदी गंवानी पड़ी थी। वो हमारे कांग्रेस के, रशीद मसूद साहब हमारे कांग्रेस में थे। कांग्रेस कभी राजनीति में सुचिता और पारदर्शिता, ईमानदारी और कर्तव्य प्रवणता, जो सच्चाई हो, जो राजनीति में जो बांटते हैं, तो ये सुचिता, ईमानदारी, पारदर्शिता सब कहां चले जाती है देवेंद्र प्रताप सिंह जी? सुदीप भाई, मैंने स्पष्ट रूप से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपराधियों से बिल्कुल दूर रही है। हमने कानून बनाया है और 2 साल किसी भी अपराध में या 2 साल किसी को सजा हो गई तो वो टिकट क्यों दिया आपने? आपने कानून बनाया, आपको धन्यवाद कि आप देश पर आपने एहसान किया, लेकिन इन दागियों को टिकट क्यों दिया? 114 में से 36 दागियों को टिकट दिया आपने। अब प्रदीप भाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह जी
अब सोनिया गांधी राहुल गांधी जी के जो केस को नेशनल हेराल्ड केस, आप वरिष्ठ पत्रकार है उत्तर प्रदेश के जज्जे जज्जे से वाकिफ है सर, ना ना, अब ना, ये मैंने जी उनकी इस बात को खारिज कर दिया, मैंने राघवेंद्र जी की इस बात को खारिज कर दिया कि हम आर्थिक भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड की। देवेंद्र प्रताप सिंह जी सुनिए, मैंने आर्थिक अपराध को दरकिनार कर दिया है, इनको जो है हमारे टॉप लीडर को, हमारे हाई कमान को, के बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप सवाल सुनिए भाई, मैं क्या कर रहा हूँ डीपी सिंह साहब, जो है हाइपर मत होइए, सवाल सुनिए, ये भारतीय जनता, सवाल सुनिए, सवाल ये है, मैंने पहले ही राघवेंद्र जी की इस बात को खारिज कर दिया कि हम आर्थिक अपराध की बात नहीं कर रहे हैं। सांसद डीपी सिंह साहब सवाल सुनिए भाई, अरे डीपी सिंह साहब सुनिए, आप तो ये राजनीतिक मंच नहीं है मेरे भाई, ये राजनीतिक मंच नहीं है, सवाल जवाब का सिलसिला भी चलने दीजिए, मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे ना, मैंने राघवेंद्र जी की बात को खारिज कर दिया कि मैं आपराधिक आर्थिक अपराध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपराध की बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। आपने 114 में से 36 लोगों को, दागियों को टिकट क्यों दिया? प्रदीप भाई, हमारे पास जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, और पूरे देश के मानचित्र पे आप जहां जहां मेरी सरकारें हैं, आप उठा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टियों ने हमें, कांग्रेस पार्टी ने हर जगह पे अपराधियों से जो है दूरी बनाए रखा हुआ है। उतने जितने सांसद हैं, 45-50 जितने सांसद हैं, उनमें भी दागी हैं, और जहां जहां पर आपके विधायक है उसमें भी दागी है, कहिए तो मैं पूरी रिपोर्ट आपको दे दूं। रेशियो देखिए सर, रेशियो देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो 80 सांसद में 44 रेशियो इसलिए गलत नजर आ रहा आपको क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में सांसद ज्यादा है, उनके विधायक ज्यादा है, इसलिए उनके पास रेशियो ज्यादा है। जिस पार्टी के पास जितने कम सांसद, जितने कम विधायक, उनका उतना कम रेशियो। फिलहाल मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी राजनीति में ईमानदार लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे लोगों को, जो समाज और देश के लिए कुछ चिंतन कर सके, कुछ देश को बना सके, देश को बढ़ा सके, और देश की जो हमारी समस्याएं हैं, नाना प्रकार की समस्या, चाहे बेरोजगारी की समस्या, चाहे समाज का चिंतन कर सके, जो बच्चे बदतर हैं, जो हमारे नए नए सुधार हो सके, उसके लिए जो है जो अच्छे लोग पढ़े, अरे ठीक है भाई, आप रोज हम लोग उसी बात को करते हैं, किसान मजदूर नौजवान रोजगार बेरोजगार, ये रोज ही तो बात करते हैं, कब तक इस पर बात करते रहेंगे? दूसरी चीजों पर भी बात करना है। हमारे साथ सामाजिक चिंतक भी जुड़ चुके हैं, बहुत खास शख्सियत है, दद्दू प्रसाद जी भी जुड़ गए, पूर्व कैबिनेट मंत्री, बहुत स्वागत है दद्दू प्रसाद जी आपका भी। सर सवाल ये है, आप भी भाजपा में रह चुके हैं, तमाम और दलों में भी आपने देखा होगा कि कैसे राजनीतिक पार्टियां ये दम भरती हैं कि वो दागियों को टिकट नहीं देंगी, लेकिन दागियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, ये देखिए, देश में जितने राजनीतिक दल हैं, लोक हितकारी जनहितकारी नीतियां उनके पास नहीं है, उनके पास शोषक हितकारी नीतियां हैं, जालिम के हितकारी नीतियां हैं, भ्रष्टाचार महंगाई की जननी है, खर्चीले और महंगे चुनाव। सिर्फ इस देश में एकमात्र नायक हुआ है 75 सालों में, माननीय कांशीराम जी, जिसने भारत के महंगे और खर्चीले चुनाव को पलट दिया और निर्धन लोगों को भी चुनाव लड़ने के तौर तरीके सिखाए और सत्ता तक लेके आए। परंतु जब लोकहितकारी नीतियां नहीं होगी, चाहे वो मायावती हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे ये अखिलेश यादव हो, तो उनको चुनाव जीतने के लिए नोट और अपराधियों का सहारा लेना पड़ेगा, पूंजीपतियों का और धन अपराधियों का सहारा लेना होता है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि अपराधी नेता को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अडवाणी को रिप्लेस कर देता है, धक्के मार के बाहर कर देता है और कहता है, नेताजी जब हमारे बल पर आप जीतते हैं तो अब मुझे को गृह मंत्री बनना है, मुझे को अब प्रधानमंत्री बनना है, आप किनारे हटिए। ये देश में लोकतंत्र को नकारने का
अभी और खतरनाक परिणाम ये देश भोगेगा। इसलिए लोक हितकारी नीति है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 में उद्घोषित है कि इस देश की समाज व्यवस्था में बदलाव लाया जाना चाहिए। सरकारें बदलने से अब कुछ ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है, फर्क पड़ता वाला नहीं है। आप ये सब बात ठीक कह रहे हैं, आप जरा थोड़ा इस बात पर भी रोशनी डाल दीजिए कि मायावती ने कहा कि वो मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देंगी, चुनाव नहीं लड़ाएंगी, लेकिन अफजाल अंसारी उनके यहाँ से सांसद हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 900 चूहे खाके बिल्ली हज को चली, बहन मायावती के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, परंतु वरुण कुमार शुक्ला और पन्ना महाराज जो कि 2 जून के कांड में, 2 जून गेस्ट हाउस कांड में शामिल रहा है, रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, लल्ला भैया, सोनू भैया और हरिशंकर तिवारी का खानदान पूरा, वो सबको नैया पार लगा चुके हैं और उनके गुर्गों ने अब बहन मायावती को धक्का करके किनारे कर दिया है। मैं नई खबर दे रहा हूँ, दिल्ली लखनऊ के कार्यालय से मायावती के पर्सनल सेक्रेटरी हटाए जा रहे हैं, सतीश मिश्रा के आदमी बैठ रहे हैं, सतीश मिश्रा माने हरिशंकर तिवारी। तो ये सारा एक नेक्सस है और इस देश में लोकतंत्र को स्वीकार न करने के कारण, लोकतंत्र को स्वीकार करना माने जिनकी आबादी ज्यादा है, जो बहुजन है, उनको सत्ता में न आने देने के लिए अल्पजन लोग अपराधियों का सहारा लेते हैं, धन फसलों का सहारा लेते हैं और बहुजनों को किनारे कर देते हैं, अर्थात एससी एसटी ओबीसी ये बहुसंख्यक आबादी टुकर टुकर देखती रह जाती है। और इसलिए चरित्रवान नायक अगर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आम आदमी चुनाव लड़ने से वंचित हो जाता है। आज एक गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि सारे करोड़पति चुनाव लड़ते हैं, दागी चुनाव लड़ते हैं, उनके आगे आम आदमी कहीं टिकता नहीं है। कमलाकांत गौतम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात रख लीजिए, फिर हम सिलसिला आगे बढ़ेंगे। मैं हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं, बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता जी हैं, अभी इन्होंने आपराधिक और आर्थिक दोनों की तुलनात्मक अध्ययन की बात कही थी। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दोनों ये सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं जानना चाहूँगा कि हमारे जो रघुवेंद्र साहब जी हैं बैठे हुए हैं, मैं जानना चाहूँगा कि भारतीय सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्री लुटेरियल लोग हैं, 28 लोग हैं, 28 लोग हैं, मेरे पास लिस्ट है, जो दो इनको देशद्रोही कहा जाता है और ये पूरा सोशल मीडिया में प्रकाशित है जी। इसमें केवल विजय माल्या को छोड़कर सबके सब गुजराती हैं, विजय माल्या को छोड़कर सबके सब गुजराती हैं, ये अपराधी जिनके नाम है। हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है, हमारा अपने इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन, इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन बात कही थी। नहीं सर, हमारा आज आपराधिक जो अपराधी हैं उनका मामला है। अच्छा, अब अपराधी का बात कर रहे हैं, प्रदीप भाई मैं अपराधी बात कर रहे हैं जी। माननीय हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुकदमे हैं, क्या आपराधिक मुकदमे नहीं है? हम बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से जानना चाहूंगा कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, क्या आपराधिक मुकदमे इनके पास नहीं है? हम जानना चाहेंगे। कमलाकांत गौतम जी, ठीक है भाई, राघवेंद्र जी जवाब दे दीजिए। योगी जी के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा ऐसा नहीं है जो मुख्तार अंसारी, बीपी यादव, फूलन देवी सर के ऊपर हो। जितने भी मुख्तार, जितने भी माननीय योगी जी के ऊपर मुकदमे हैं, सब राजनीतिक मुकदमे हैं। मुकदमे मुख्तार अंसारी से झगड़े के भी हैं और भी हैं, ये कोई आपराधिक उसमें नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप माननीय योगी जी की तुलना मुख्तार अंसारी, डीपी यादव, फूलन देवी, आईपीसी की धारा मुकदमे है कि नहीं, मैं जानना चाहूंगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत इंडियन पैनल कोर्ट, इंडियन पैनल कोर्ट के अंदर मुकदमे है कि नहीं, मैं जानना चाहता हूं। कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक सर्वमान्य नेता है, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आप कम से कम शालीन भाषा का भी उपयोग किया करिए और समझा करिए, बिना तथ्यों प्रमाणों के बात मत किया करिए। अरे भाई साहब, आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, भारतीय संविधान में आर्टिकल जो व्यवस्था है आईपीसी की, आईपीसी के आपराधिक मतलब होता है आईपीसी, इंडियन पैनल कोर्ट,
इंडियन पायलेंट कोर्ट में इनके पास, मैं तो मुकदमे की बात कर रहा हूँ, मुकदमे है या नहीं है, ठीक है, जानना चाहता हूँ। मेरा एक सवाल आपसे है वो जी, सुनिए रघुवेंद्र जी, आ रहा हूँ आपके पास, कमलकांत गौतम जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष 2017 के चुनाव में, 12 के चुनाव में डीपी यादव को पार्टी में आने से मना कर देते हैं और बहुत अच्छी छवि बनती है कि भाई नए अखिलेश जी इंजीनियर हैं और वो अपराधियों को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मुख्तार अंसारी के भाई सिगबुतुल्ला को पार्टी ज्वाइन करा दिया, इसको इसके क्या मायने हैं? मैं इसका उत्तर मैं देना चाहता हूं जी। चुनाव आयोग के सामने एक संवैधानिक संस्था है जी, जिसमें एक जितने भी प्रत्याशी होते हैं, चाहे लोकसभा को चाहे विधानसभा को, ये लोग एक हलफनामा देते हैं कि मेरे पास इतने मुकदमे हैं। अब चुनाव आयुक्त जो होता है ये संवैधानिक संस्था है, तो जब इनके पास जाती है फाइल, क्योंकि मैंने भी राष्ट्रीय, जब संविधान के मुताबिक इनके पास मुकदमे हैं तो क्या चुनाव आयोग इनको खारिज नहीं कर सकती? बिल्कुल, चुनाव आयोग खारिज कर दे, इनको लड़ने नहीं दे, काम खत्म। नहीं नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जब अखिलेश जी की साफ सुथरी छवि थी, उन्होंने मना, साफ मना किया था किसी दागी को टिकट नहीं देंगे, तो दागी के भाई को पार्टी ज्वाइन कराने का मतलब क्या? देखिए सिगबुतुल्ला ने पार्टी कैसे ज्वाइन की? प्रदीप भाई जी, जी अगर कमलाकांत गौतम कोई आईपीसी के अंतर्गत 302 का मुकदमा इसके ऊपर होता है तो क्या मेरे छोटे भाई पर भी आप फांसी सच चढ़ा देंगे? नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं तर्क बात करता हूँ, आपकी बात बिल्कुल, आपकी बात हमारे हमारे 302 तो क्या मुझे फांसी चढ़ा देंगे? कमलाकांत गौतम जी ऐसे तो अफजल अंसारी सांसद है, तो वो मुख्तार अंसारी के भाई हैं, तब हम उन पर सवाल क्यों खड़े करें? जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हो इसकी बात करें ना, जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे नहीं है, मुलजिम नहीं है, मुजलिम नहीं, तो इसके क्यों बात करते हैं भाई साहब? लेकिन है परिवार तो एक ही ना, मतलब आप लोग लगी थे पानी पिला रहे, संवैधानिक अंसारी को ज्वाइन नहीं करा रहे, प्रदीप भाई जी आप संविधान की बात करें, संविधान लोकप्रिय है, संविधान हम भारतीय भारत देश संविधान के अंतर्गत चलता है, हम आपको पर मुकदमा करेंगे तो आप जेल जाएंगे कि आपके सरदार जेल जाएंगे? बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ठीक बात है, आप ये क्यों नहीं मानते? आप मेरी बात समझ लीजिए ना, कि हम सीधे माफियों को एंट्री ना देके भाई भतीजों के मार्फत दे देते हैं, भाई भी आ जाएगा तब भी तो मुख्तार अंसारी सपोर्ट करेंगे ना भाई। यहाँ पर दागियों के परहेज का मामला है जी, दागियों का परहेज, सबसे पहले मैं बड़ा विनम्र भावना से आपसे कह रहा हूँ कि एक जो है चुनाव आयोग के पास जो हलफनामा जाता है कि मेरे पास इतने मुकदमे हैं, तो चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, संविधान के अंतर्गत चुनाव आयोग खारिज कर देना चाहिए, ये लड़ने का मौका खत्म कर दीजिए, आप भी अपनी लिस्ट सुन लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। बीजेपी की लिस्ट मैंने सुनाई, 114 विधायक उनके दागी हैं, आपके पास 45 विधायक हैं, 14 विधायक उसमें से दागी हैं जी, कमलाकांत जी जी। दूसरा, आपके पास में मात्र 5 सांसद हैं, उसमें से 2 सांसद दागी हैं, क्या कहेंगे? देखिए मैं तो बड़े विनम्र भावना से मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता इनसे भी कह रहा हूँ कि आपको भी समर्थन करना चाहिए कि जब हलफनामा एमपी या एमएलए देता है तो चुनाव आयोग को खारिज कर देना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो पार्टियां क्यों नहीं खारिज कर देनी कमलाकांत गौतम जी? प्रदीप जी, एक मैं थोड़ा भावना से मैं कह रहा हूँ, बड़ा सद्भावना से कह रहा हूँ, देखिए जब कोई भी आपराधिक होता है, अपराध होता है या आर्थिक हो या जो है आपराधिक मुकदमा हो जी, जब इसमें होता है तो भाई जब तक न्यायपालिका इनको सजा घोषित ना कर दे तब तक हम इसको नहीं कह सकते, ये परंपरा है, रीति रिवाज है, राजनीतिक परंपरा है। कमलाकांत जी आप भी वही बात करें, आप समझ लीजिए ना कि आप जानते हैं हमारी देश की जो न्यायिक प्रणाली क्या है, 35-35, 40-40 साल निकल जाते हैं, बीजेपी में 403 विधायक में 114 दागी हैं जी, लेकिन इनको इनको सजा हुई है नहीं हुई ये समस्या, 114 नहीं 147 दागी हैं, आप थोड़ी फिगर चलिए आपने बढ़ा दिया, हम तो 114 समझ रहे हैं, 147 हाँ बीजेपी की बात में कर रहा हूँ, बीजेपी की बात कर रहा हूँ कि 403 में 114 दागी हैं, तो इनको सजा हुई या नहीं हुई? जब सजा नहीं हुई तो रीत रिवाज और परंपराओं के मुताबिक ये है कि ये इनको मुलजिम नहीं घोषित किया जा सकता, यही तो फायदा है आप लोग, यही तो कोर्ट में कोई भी केस दायर कर दीजिए, लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और जीवन भर ऐसे पूरा निकाल दीजिए। सुरेंद्र जी के पास जाएंगे, सुरेंद्र जी हम सबसे मौजूद सवाल ये है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है, सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो है, ये है कि ये सिलसिला कहां जाकर के रुकेगा, 50% से ऊपर पहुंच गया है। देखिए
मैं अब इसको दूसरे ढंग से एनालाइज कर रहा हूँ। जिस समय ममता चुनाव हारने के बाद लगता सुरेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी। राघवेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास फाइनल कमेंट क्या रहा हूँ, आखिर ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? सुरेंद्र जी को शांत करिए, बोल रहे हैं वो। तो मैंने उसी समय कहा था अगर सुरेंद्र दुबे जी जरा सी भी संतुष्टि होगी आपके पास में आ रहा हूँ। सवाल सर मेरा ये है कि आखिर ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? पश्चिम बंगाल में फंसी है। देखिए मान लीजिए आप भवानीपुर का उपचुनाव नहीं कराएंगे, ठीक है, छह महीने के अंदर एक बाध्यता है एमएलए होना, तो ममता अपने भतीजे को या किसी और ट्रस्टेड आदमी को सत्ता दे करके सीधे आकर के दिल्ली में बैठ जाएंगे, तो रोज आपकी छाती पर मुंह डलेंगी। तो इस वजह से एक ये तो मैं इंटेलिजेंट स्टेप कहूंगा बीजेपी की, तो उनका कि भाई हमारी छाती पर मुंह न डलो, वहां पड़ोस में जा करके वहां अपने गांव में जा करके जो करना हो। लेकिन जाहिर है कोई ऐसे वाकओवर तो नहीं देंगे। तो देखिए 10 उन्होंने वो उसके जो स्टार प्रचारक नियुक्त किए हैं 20, हाँ उसमें प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का नाम नहीं जितना मैंने देखा था शाम तक। लेकिन जी हो सकता है कि एक चुनाव क्योंकि करा रहे हैं तो न जाए, लेकिन इस देश में बीजेपी के पास मोदी है, यही स्टार प्रचारक है, यही मुख्य प्रचारक है, यही छोटे प्रचारक है, यही सुरेश जी मैं आज आपराधिक मुकदमों की बात कर रहा हूँ, यही सर। आखिर ये जो माननीयों की संख्या लगातार बढ़ रही है, दागी माननीयों की संख्या, ये कहाँ जाकर के रुकेगी? और बाकी जो 20 लोग बनाए उनमें किसी की हैसियत नहीं है जो ममता के खिलाफ वहां कोई माहौल बना पाएंगे। उसमें बाबुल सुप्रियो भी है जो खुदा कहते हैं कि सुरेंद्र जी, सुरेंद्र दुबे जी आपको अगर आवाज मिल रही हो तो बना दिया गया। हाँ सुरेंद्र दुबे जी, सवाल मेरा बंगाल चुनाव नहीं है, देवरिया क्या नाम चुना है तो थोड़ा इधर एक्टिव रही है तो कैंडिडेट उन्होंने ठीक चुना है और किले बनने करने माहिर है। सुरेंद्र दुबे जी सवाल मेरा बंगाल चुनाव नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर दागियों की। तो आपके पास अगर 70 विधायक है तो आप चलिए, लगता सुरेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी, फाइनल कमेंट के लिए चलते हैं। जी राघवेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आखिर ये कहाँ रुकेगी जाकर के संख्या और कैसे होगा इसका इलाज? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो पारदर्शिता और ईमानदारी से टिकट का वितरण करती है और इस प्रकार के दागी उम्मीदवार या जो आर्थिक भ्रष्टाचारी होते हैं या जघन्य अपराधी होते हैं उनको टिकट देने में परहेज करती है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी अब इसलिए कर रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी। अरे ये मत कहिए राघवेंद्र जी, ये मत कहिए प्लीज, करोड़ों लोग देख रहे हैं, बड़ा खराब इंप्रेशन जाता है। आप कोई वादा कर दीजिए वो ज्यादा बेहतर है कि क्या आंदे से पार्टियों को क्या आप लोग किसी दागी को टिकट नहीं देंगे? देखिए दागी का मतलब आप अलग समझिए, दागी का मतलब राजनीतिक मुकदमे अगर किसी के ऊपर है तो उसे आप दागी नहीं कह सकते हैं। जैसे माननीय अभी हमारे किसी पूर्व वक्ता ने कहा था योगी जी आपराधिक मुकदमों की बात कर रहा हूँ राघवेंद्र जी, तो योगी जी मैंने बार बार कहा मैं राजनीतिक मुकदमों की बात नहीं कर रहा हूँ, मुकदमे अलग है और जो जो संगीन धाराओं के मुकदमे होते हैं वो अलग है। अगर मुख्तार अंसारी या मैंने पूरा शुरू में ही क्लियर कर दिया, ठीक है राघवेंद्र जी। डीपी सिंह साहब आपका फाइनल कमेंट। प्रदीप भाई राजनीति से दागियों को निश्चित तौर पर निकाला ही जाना चाहिए, सभी पार्टियों को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने भारत के संविधान को भारत के लोकतंत्र को अक्षुण रखने के लिए और गौरवान्वित बनाने के लिए और देश की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए हम सभी संकल्प लेंगे कि हम भविष्य में किसी भी दागी को विधायक और एमपी का टिकट नहीं देंगे। ये सभी पार्टियों को संकल्प लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इसकी शुरुआत वादा करते समय ये सोच लीजिएगा कर कि अब 2-3 महीने बाद चुनाव है, कितने लोगों को टिकट देंगे आप और उसमें से कितने दागी होंगे वो हम छांटेंगे जरूर। कमलाकांत गौतम जी, जी आप क्या दावा कर क्या वादा करेंगे देश की जनता के सामने? मैं देश की जनता सामने कहना चाहूँगा सर, जो हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा बिल्कुल सही कहा, सारे
पार्टियों को ये बिल्कुल सोचना चाहिए कि हम दागे टिकट ना दें। हम तो पहले निवेदन कर रहे हैं कि सारे पार्टी के लोग मिलकर चुनाव आयोग को दबाव डालना चाहिए कि जब यहाँ पर आईपीसी के मुकदमे अगर होते हैं तो इनसे जवाब सवाल करना चाहिए और जवाब सवाल करके इनको टिकट यहीं से खारिज कर देना चाहिए। बिल्कुल। सुरेंद्र दुबे जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो आपका फाइनल कमेंट सर। लगता है सुरेंद्र जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है, तो अभी सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी बहस को यहीं समाप्त करेंगे। सारी राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के राघवेंद्र जी लगातार कह रहे हैं कि राजनीतिक मुकदमे अलग होते हैं, आपराधिक मुकदमे अलग होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने जो लिस्ट प्रस्तुत की है वो आपराधिक मुकदमों की है, वो राजनीतिक और आर्थिक मुकदमों की नहीं है। खैर, वो कह रहे हैं कि इन दोनों को अलग देखना चाहिए। बाकी की राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि हम कोशिश करेंगे कि इनको टिकट ना दें, और सारी पार्टियों को मिल करके बैठ करके ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उनको टिकट नहीं देना चाहिए, दागियों को टिकट नहीं देना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये टिकट दिए क्यों जा रहे हैं? 2% 4% से शुरू हुआ था दागियों को टिकट देना और आज ये 50% से ऊपर तक पहुँच गया है। 80 में से 44 सांसद दागी हैं। ये सिलसिला कहाँ रुकेगा ये अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।